हो चुके हैं तो ऐसे शख्स मिलने के लिए देखने के लिए आप सभी तक देख रहे हैं और सभी आपको यहाँ पर अच्छा लगता है कि हमारे दर्जन को सफल और सुदर्शन करने में आपको विशेष सहयोग मिलेगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस बात को ध्यान में रखते हुए यूट्यूबर ब्लॉगर के संयोजन दूसरे अपना ब्लॉग बनाए आप सभी को तहे दिल से जोहार। आज राजस्थान से गांव बस्तर छत्तीसगढ़ 1,500 किलोमीटर दूर से आपने मुझे दिल से आमंत्रित किया और मुझे एक सौभाग्य मिला और आप सबका जो प्रेम आप सबका जो स्नेह आप सबके अंदर एक अपनत्व की भावना ने हमारा दिल जीत लिया। बोरवाड़ा समाज समन्वयक समिति के द्वारा कार्यक्रम आदिवासी समुदाय के पुरखों द्वारा इस फसली त्योहार को पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। अलग अलग के अंदर अलग अलग प्रकार अलग अलग नाम से संबोधित है, लेकिन ये तो फसली त्योहार इसके बारे में जैसे मैंने समझा मेरे इलाके के अंदर हम बेल समूह से आते हैं, आदिवासी समाज का डीएनए पर ये आदिवासी समाज का डीएनए होने की वजह से आदिवासी और यही आदिवासी आज आपके बीच में खींच खींच साथियों मंच में विराजमान हमारे समाज को आदिवासी समुदाय के समस्त सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और हमारे बीच में आगे स्थानीय सांसद महोदय स्थानीय विधायक महोदय भी आए थे, उनका भी मेरी ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करना चाहूंगा। साथियों आप सबके दिमाग में कई प्रकार के सवाल होंगे, कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा था कि राजस्थान से राजकुमार जो सांसद है वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे इस काबिल बनाने के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान की जनता ने रात दिन मेहनत करके मुझे सांसद बना के दिल्ली के अंदर भेजा और ये उम्मीद की है कि उस क्षेत्र का तो प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन पूरे देश में आदिवासी दलित पिछड़ों का भी प्रतिनिधित्व दिल्ली में करना है, ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उसी अपनत्व की वजह से आज आपने मुझे आमंत्रित किया। साथियों मैं इस इलाके में पहले आया था, एक बार विधायक था तो और मैं मेरे पूर्व विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस जनता ने मुझे दो बार विधायक बनाया और वो भी राजस्थान के अंदर हाईएस्ट मतों से जिता के भेजा और अब कितनी बार मुझे सांसद बनने का अवसर मिला, दो बार विधायक एक बार सांसद बना, जनता ने बनाया
अगर मैं आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो शायद मुझे सांसद बनने का, विधायक बनने का अवसर नहीं मिलता। मेरे पास कितनी भी बड़ी ताकत होती, भले धन बल होता, बाहुबल होता, कुछ कुछ होता, लेकिन मेरे पास आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट नहीं होता तो मुझे सांसद बनने का अवसर नहीं मिलता। और मैं सांसद नहीं बनता तो शायद आप मुझे यहाँ पर बुला के आमंत्रित करके मान सम्मान नहीं देते। साथ ही आज एक कार्यक्रम है, ठाकुर त्योहार नहीं, हमारे पूर्वजों को, हमारे पितृ देवताओं को हम पूछ के नई जो फसल तैयार होती है इसके बाद हम लोग हमारे अन्य गतिविधि और उस फसल का हम हमारे जीवन में खान पान में उपयोग में लेते हैं। मैं पूरे वक्ताओं का भाषण सुन रहा था और कल से आए तब से मैं यहाँ के लोगों की नमन स्थिति, यहाँ की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं सारे के बारे में समझ रहा था। साथियों, हमारा देश को विदेश में जब पहचाना जाता है, इस देश के प्रधानमंत्री महोदय हो या हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय हो, कभी भी विदेश में जाते हैं तो जो मंच पे बुलाया जाता है, मंच पे बुलाने से पहले क्या कहा जाता है कि ये उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महान कहा जाता है। क्या संबोधन दिया जाता है कि ये इस देश के प्रधानमंत्री या उस देश के राष्ट्रपति महोदय है जिस देश को महामा कहा जाता है, उस देश में अतिथि देवो भव कहा जाता है, मतलब मेहमान भगवान के बराबर होता है, ये कहा जाता है, उस देश से हम ये आ रहे हैं, ये संबोधन दिया जाता है। ये संबोधन दिया जाता है कि भारत देश में विविधता होने के बावजूद, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक जातियां होने के बावजूद भारत देश के अंदर एकता है, ये परिचय देके हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय को विदेश में संबोधित किया जाता है। साथियों, अतिथि देवो भव, हम सरकारी कार्यालयों में देखते हैं, हम सरकारी गाड़ियों के पीछे देखते हैं, सरकार के बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है अतिथि देवो भव, मतलब हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे देश में जो आया मेहमान उसको भगवान के बराबर माना जाता है। लेकिन यह शब्द ओनली फॉर आदिवासी इलाके के अंदर ही वर्तमान में स्थापित है, आदिवासी समुदाय में ही स्थापित है, क्योंकि आदिवासी समुदाय के अंदर किसी भी भाग में, किसी भी घर में कोई भी अज्ञात व्यक्ति, अनजाना व्यक्ति चला जाएगा तो उसको मान सम्मान दिखाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, भले पहचान नहीं हो, इसके बावजूद पूछा जाएगा आप कहां से।